सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन आकाश टाइम एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, ये इसको लिखे एक क्वेश्चन रह सकती है स्टूडेंट के मन में। ये रहना भी चाहिए, बिकॉज समझ लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज, कोई एक कॉलेज अलॉट हुआ और नहीं भी हो सकता है, तो सेकेंड राउंड में हम जो अपग्रेड कर रहे हैं भैया, क्या लाभ होगा? कोई क्या अपग्रेड करना चाहिए और क्या करके कोई काम होगा हमारा? तो इस वीडियो के माध्यम से एक एक्सपेक्टेड क्या काम हो सकता है आपका, क्या अपग्रेड करके कोई लाभ आपको मिलेगा या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं जरूर आपको समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, बिकॉज आकाश से एजुकेशन पे ऐसी वेब रिलेटेड हर टाइप्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अगर आप जनरल कैटेगरी शो, इफ यू आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों को सेकेंड राउंड में आपके कैटेगरी में मिनिमम 300 से 500 रैंक इंक्रीज देखने को मिलेगा। मैं हर कैटेगरी के लिए बोलूंगा, फर्स्ट स्टार्ट करते जनरल के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी शो, समझ लो कोई एक कॉलेज का कट ऑफ गैप 8,000 किसी एक ब्रांच का, तो अगर आपका 8,500 के आसपास है, देन यू विल गेट द कॉलेज इजीली। तो मिनिमम 500 रैंक इंक्रीज होगा, मैक्सिमम कितना होगा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो तो कॉलेज के सिचुएशन को, इस बार की सिचुएशन के ऊपर निर्भर करती है, कितना हाईएस्ट जाएगा वो जा सकता है, बट मिनिमम 500। तो मिनिमम 500 तो आपको जनरल कट ऑफ में इंक्रीज हर ब्रांच पे, हर कॉलेज पे देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इफ बट है, मैं बोल देना चाहता हूँ। अगर आप समझ लो, आप बोलो कि भैया जादवपुर में सीएससी का कट ऑफ जनरल का गया 70 के आसपास, तो क्या ये 570 हो जाएगा? अरे भाई नहीं, ये नहीं होगा। मतलब इस पे आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ कॉलेजेस पे, कुछ कुछ वैल्यूएबल ब्रांचेस है, बहुत सारे कॉलेजेस पे कुछ कुछ वैल्यूएबल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। इस वैल्यूएबल ब्रांच को छोड़ रादर देन जो नॉर्मल कॉलेजेस है, केजीसी, जेजीसी, कलकत्ता में बहुत सारे जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं, वो सारे नॉर्मल कॉलेज में, साधारण जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस पे आपको जनरल कैटेगरी के मिनिमम 300 से लेके 500 तक कटऑफ में इंक्रीज जरूर हर ब्रांच पे देखने को मिलेगा। अच्छा, आप चले आते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी के लिए 450 रैंक से, मतलब 450 से आपको मिनिमम 600 रैंक इंक्रीज देखने को मिलेगा पर ब्रांच पे, नॉर्मल सब कॉलेजेस पे। मैं एक्सेप्शन पे नहीं, जादवपुर पे कुछ ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, उस पे एक्सेप्शन है, उसको अलावा उसको साइड पे रख के मैं बोल सकता हूँ ओबीसी के लिए 450 टू 600 इंक्रीज होगा हर ब्रांच पे आपको देखने को मिलेगा इस सेकेंड राउंड पे। अब चले जाते हैं एससी के बारे में। एससी के लिए आपको 600 टू 1000 इंक्रीज देखने को मिलेगा, मिनिमम 600 टू 1000। अच्छा, ये जो रैंक मैं इंक्रीज होने का बात बोल रहा हूँ, ये सब रैंक जनरल रैंक, मैं जीएमआर का बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कैटेगरी रैंक आप सोच सकते भैया क्या कैटेगरी रैंक इतना इंक्रीज होगा, नहीं, कैटेगरी रैंक नहीं, जनरल रैंक पे ये इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस पे, जो नॉर्मल एवरेज जो कॉलेजेस हैं। तो 600 टू 1000 रैंक, एंड एसटी के लिए मैं बोलूंगा 1500, मतलब 1500 टू 2000 तक आपका कट ऑफ इंक्रीज होना देखने को मिलेगा राउंड टू में। तो आप देख लेना, ये सब मतलब पिछले राउंड का कट ऑफ प्लस ये 500 का आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसको सम करना, करके जो रैंक आ रहा है, अगर उसके अंदर आपका रैंक रहा, देन विल सियोरली गेट दैट कॉलेज, ओके? और मिनिमम मैंने जो बोला इंक्रीज बोला, ये मिनिमम होगा, इससे ऊपर भी जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बट जादवपुर कलकत्ता का कुछ कुछ ब्रांच इसमें एक्सेप्शन है, रादर देन आपको मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस पे मैंने जो बोला वही कॉमनली देखने को मिलेगा। मैं लास्ट ईयर का डाटा भी देखा है, उसमें भी यही चीज मैंने जो है देखा है। तो जरूर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करना, जो लोग कॉलेज अभी तक गेन नहीं कर पाए, जो अच्छा कॉलेज चाहते हो, टेंशन में हो, जरूर शेयर करना इस वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही, डियर स्टूडेंट्स, अभी तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।